जय श्री राम मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे आप सभी, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। इस व्लॉग में आप लोगों को मैं लेके आऊँ कान्हा नेशनल पार्क जो कि मंडला में, और यहाँ पे अभी मैं बीचों बीच जंगल के खड़ा हूँ। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ, अभी तक का क्या क्या हम लोग ने एंजॉय किया है, शुरू से चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। चलो 1 2 3 गो। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं रेडी हो गया हूँ, सामान वामान पैक कर रहा हूँ, पापा अभी सो रहे हैं। यहाँ से अपनी जर्नी होती है शुरू। बहुत ठंड पड़ रही इधर, तो अभी सब कुछ ऑल सेट, हम लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ इस ट्रिप में हैं हमारे शांतनु भैया, विक्रम भैया, सिद्धार्थ भैया, उत्कर्ष भैया। जय श्री राम। लगभग 100 किलोमीटर तो आ गए हम लोग। आ चुका है शानदार नाश्ता, नाश्ते के बाद चाय, अल्टीमेट मजा आ गया यार, इतनी प्यारी चाय है ना। हम लोग सुबह निकले थे लगभग 6:30 बजे और अभी 150 किलोमीटर चल के हम लोग आ गए हैं। कुसुम रिसोर्ट है, यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम लोग बीच में रुके हैं, अभी 13 किलोमीटर और बचा है। कितना गजब है, हम लोग को अभी एक जानवर भी नजर आया था यहाँ पे। तो देखो ड्रोन तो हवा में है और हम लोग की गाड़ी के जस्ट ऊपर चल रही है। ओ भाई, फाइनली अपनी डेस्टिनेशन आ चुकी है, एकदम से बारिश तेज हो गई है, मौसम बहुत प्यारा है, उसके साथ हम लोग को चाय मिल गई है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पूल है जो कि बहुत प्यारा है, यहाँ पे आप लोग अपना चाय, कॉफी, खाना, ब्रेकफास्ट जो भी है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो इन लोगों को झूला मिल गया, इन लोग झूला एंजॉय कर रहे हैं। आइए आप लोग को मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो एंट्रेंस, यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये है रिसेप्शन काउंटर, ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह ये एरिया, आप लोग को एकदम लग्जरियस वाली फील आने वाली है। यहाँ पे आप लोग डिनर लंच सब कुछ कर सकते हैं, काफी सुंदर डेकोरेट किया गया है। लंच डिनर करूंगा तो आप लोग आगे दिखाऊंगा, और हाँ रूम सर्विस भी मिल जाती है, आप लोग रूम पे भी बुला सकते हो। तो आओ भाई अब रूम में चेकिंग करने का टाइम आ गया है। भाई देखो यहाँ पे एंट्री होते साथ ना जो अपन को लगेज रहता है वो रूम तक ना ये भैया लोग लेके जाते हैं, अपन को ले जाने की जरूरत नहीं है, ये अपन को यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, अब जो ये रिजॉर्ट है बहुत ऑसम लग रहा है। ओ भाई लोग तो देखो यार यहाँ पे हर एक चीज है, देखो यहाँ पे झूला है, यहाँ पे हर एक घर के बाहर आप लोग को दिखाई देगा कि सिटिंग एरिया भी है। रूम नंबर ये देखो 102-105 लिखा हुआ है, और इस तरफ अभी गेस्ट हैं। यहाँ पे देखो टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, सेम इस तरफ भी है। हम लोग का एकदम लास्ट में है क्या, बिल्कुल घुमाया जा रहा है अच्छे से, ठीक है यार अच्छी बात है। और दो अलग अलग रूम है, 106 नंबर हम लोग का है और ये कौन सा 109 नंबर, ये दो रूम हम लोग के हैं। टाइगर कॉन्डा 109 हम लोग का है। आओ अब आप लोग को अंदर से मैं दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो यार बहुत खूबसूरत, एसी वगैरह बल्ब वगैरह, ये देखो कप वगैरह है, यहाँ पे दो लोग के तकिए पिलो सब कुछ है। ये मेन्यू है जहाँ पे आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आओ इस तरफ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लगेज रख दिया गया है, ये एक आप लोग को मिरर मिल जाएगा बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आप लोग को कबर्ड वगैरह की भी व्यवस्था है, ये शायद बाथरूम होना चाहिए, तो आप बाथरूम भी चेक कर लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे आपको दिया जाता है एक आईना, शावर, यहाँ पे बकेट्स रखी हैं, इधर आप लोग को मिल जाएगी सारी सुविधाएं। ये है टॉयलेट, इसी के अंदर है, ये शायद बाहर के लिए दरवाजा है, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है यार, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ना ओपन बाथरूम भी है। ये देखो अगर आप लोग ऐसा नहाना चाहो नेचर के बीच में, मुझे तो लग रहा था कि ये बाहर का एरिया है, बट ये तो बाथरूम निकला है। सही है, अच्छा है, मतलब बढ़िया रूम दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग को एक मिनी फ्रिज भी मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना सारा सामान भी रख सकते हैं। अभी मैं आ गया आप लोग को दूसरा वाला रूम टूर कराने के लिए। देखो ये वाला एक दूसरा रूम है जो कि हम लोग का है, ये है 106। देखो बाहर की फैसिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे बढ़िया चेयर वेयर है, और यहाँ पे भाई अरे खटिया बिछाई गई है क्या सब। आओ अंदर की तरफ देखे, क्या कर रहे भैया, मोबाइल चला रहे भैया, पेंटिंग वगैरह, लाइट वगैरह, एसी वगैरह सब कुछ है। बाहर का आप लोग को व्यू दिखाऊं, देखो ये झाड़ियाँ दिखती है बाहर, नेचर बिल्कुल आप लोग को लगेगा। फिर इधर आओ आप लोग को दिखाई, ये देखो सामान रखने वाला एरिया है, ये देखो यहाँ पे सारा लगेज आप लोग रख सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग को बाहर के लिए दिया गया, कर्टन लगा सकते हैं प्राइवेसी के लिए। तो भाई लोग अभी रूम में काफी देर से बैठे हुए थे और भैया लोग का प्लान बना कि पूल में नहाते हैं, आ जाओ फटाफट अपन चलते हैं पूल में और मजे करते हैं। अरे भाई पैर डाला बस, इतना तेज ठंडा है ना पानी, 2 मिनट के लिए कप गया था मैं। तो अभी हम लोग निकल लिए कपड़े चेंज, अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए, यार बहुत तेज भूख लग चुकी है। अभी हम लोग का खाना पीना डन हो चुका है, और अभी देखो यहाँ पे गेम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कैरम। देखो भाई बहुत कम खेला और नहीं आएगा अबे ये गो। अभी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं जंगल सफारी बुक करने के लिए। बीच रस्ते में हम लोग को ना हिरन दिखाई दिए, तो आप लोग को भी दिखाता हूँ। मेन रोड पे हम लोग अभी है, वो हम लोग की गाड़ी खड़ी है,
और इस तरफ वो हिरन से, वो देखो पूरे का पूरा झुंड आप लोग को नजर आ रहा होगा अभी। चलो आ गए हैं भाई अपन जहाँ पे अपन को अपनी जंगल सफारी बुक करनी है, जिप्सी बुकिंग ऑफिस। तो यहाँ पे ना जिप्सी बुक हो जाती है और जो टिकट है वो उस जगह पे ली जाती है। चलो आप लोग को मैं दिखाता हूँ टिकट कैसे ली जाती है। टिकट का अलग पैसा, जिप्सी का अलग पैसा और गाइड का अलग पैसा, तीन अमाउंट हम लोग को लगने वाले हैं। पर्यटन सुविधा केंद्र, एक दिन पहले ऑफलाइन टिकट कटती है, टाइम रहती है 6:30 से 8 बजे का। एक व्यक्ति जो रहता है वो टोटल 6 सीट ले पाएगा और पहले आओ पहले पाओ ये सिस्टम यहाँ पे चलता है। हम लोग तो अभी 5 बजे से आगे ही लाइन में लग गए हैं और पहला ही नंबर मेरा है, हम लोग को तो मिल जानी चाहिए कल की। देखो यहाँ पे ना जंगल सफारी से लोग वापस आ रहे हैं, तो सारी की सारी जिप्सियां आप लोग को नजर आ रही होंगी, हम लोग भी इसी में जाएंगे। यार कितना एक्साइटेड हूँ मैं कसम से। 6:30 बजने वाले हैं, अब जाके हम लोग को शायद टिकट मिल जाएगी। बगल में ना यहाँ पे एक शॉप है, आप लोग को अंदर से दिखाता हूँ, आप लोग को लुक लेना सफारी वाला तो आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं ये एक हैट ले रहा हूँ। तो अभी हम लोग को एक फॉर्म मिला है, फॉर्म भरा जा रहा है जो अंदर से मिला है। बीच में मैं आप लोग को बताना भूल गया कि मैंने अपनी कैप चेंज करा ली है, वो वाली कैप में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इसलिए मैंने ये वाली ले ली। अभी यहाँ का सारा काम हुआ खत्म, अब जा रहे हैं हम लोग जिप्सी बुक करने के लिए। जिप्सी बुक करने के लिए को जिप्सी नंबर मिल गया 38,000 रुपए हम लोग ने जिप्सी का पे कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो अभी फिर से 3,100 रुपए जमा हुए, मतलब टोटल 6,100 रुपए हुआ है। हम 5 लोग का, 6 लोग एक जिप्सी में जाते हैं और पैसे लग गए पूरे पूरे। अच्छी बात है, टिकट बुक है, कल सुबह 6 बजे हम लोग को यहाँ पे आना है और हमें जिप्सी लेके जाएगी। ये बाइनोकुलर्स जो कि आधा किलोमीटर रेंज कवर करते हैं 150 रुपए में आपको यहाँ पे रेंट में मिल जाएंगे। हमने ये वाला एक लिया है। तो सब हो गया, रिजॉर्ट जा रहे हैं, अब कल सुबह मिलते हैं।